हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे मेंडल के नियमों में प्रयुक्त शब्दावली। इस वाले वीडियो में हम दोस्तों बहुसंकर संकरण, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी क्या होते हैं, एलील या एलीलोमॉर्फ क्या होते हैं, परिच्छेद संकरण क्या है और संकर पूर्व संकरण क्या है, इन सब टॉपिक्स का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों ये मेरा पार्ट टू वीडियो है। यदि आपने पार्ट वन वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन में दिए गए लिंक से आप उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे रखा है, वहाँ से भी आप जाके पार्ट वन वीडियो देख सकते हैं। पार्ट वन वीडियो में दोस्तों हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया था, जैसे प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, जीन तथा दृश्य रूप क्या हैं, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी क्या हैं, एक संकर संकरण क्या है और द्वि संकर संकरण क्या है। इस वाले वीडियो में जो अभी हम दोस्तों स्टडी करने वाले हैं, इसमें हम आप एक एक करके जो अपने टॉपिक्स हैं उनको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं बहुसंकर संकरण, इसको इंग्लिश में पॉलीहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। आइए इसको रीड करते हैं। जब संकरण करने वाले नर तथा मादा के मध्य दो से अधिक विपरीत जोड़ी लक्षणों के लिए, यह ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इससे पहले हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस यानी दो संकर संकरण पढ़ा था, जहाँ पर एक बार में हम दो जोड़ी और विपरीत लक्षणों का अध्ययन कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे यानी दो से ज़्यादा विपरीत जोड़ी लक्षणों का एक साथ अध्ययन हम करने वाले हैं, इसी कारण से इस प्रकार के संकरण को बहुसंकर संकरण कहा गया। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, बहु माने बहुत सारे। यहाँ उदाहरण देख लेते हैं। हमने दो प्लांट लिए हैं, एक प्लांट पर गोल पीले बीज वाले और बैंगनी पुष्प लगते हैं, जबकि दूसरे प्लांट पर झुर्रीदार हरे बीज वाले सफ़ेद पुष्प लगते हैं। यानी तीन जोड़ी विपरीत लक्षण हमने दो अलग अलग पौधों में लिए हैं। और पहले वाले में आप देख रहे हैं, यहाँ पर राइट हैंड साइड में दिए गए डायग्राम को देखिएगा, जब इस तरह के दो अलग कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर वाले प्लांट्स को लिया और उनमें संकरण कराया, तो जो फर्स्ट पीढ़ी है वो मेंडल के पहले नियम को फॉलो करते हुए स्मूथ येलो और पर्पल इस तरीके के करेक्टर वाले प्लांट्स को डेवलप करती है। जब F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधों में संकरण कराया गया आपस में, तो आने वाली पीढ़ियों में बिल्कुल डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन देखने को मिले। ये कॉम्बिनेशन डाईहाइब्रिड क्रॉस से अलग हैं, साथ ही साथ ये मेंडल के अगले नियम यानी पृथक्करण के नियम को और स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को फॉलो करते हैं। आइए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक, जो कि है समयुग्मजी यानी होमोजाइगस तथा विषमयुग्मजी यानी हिट्रोजाइगस, ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका यूज़ किसने किया। तो विट्सन तथा सैंडर्स ने 1902 ईस्वी में सर्वप्रथम इन शब्दों का प्रयोग किया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में एक नंबर में या कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। किसी लक्षण यानी फिनोटाइप की जीनी संरचना को जीन रूप कहते हैं। आपको पहले भी बताया जा चुका है इसके बारे में कि दृश्य रूप और जीन रूप क्या होते हैं, तो मेरे पार्ट वन वीडियो में इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है विस्तार से, आप वहाँ से उसको स्टडी कर लीजिएगा। यदि जीन रूप में उपस्थित दोनों जीन समान होते हैं तो इस स्थिति को समयुग्मजी कहते हैं, तथा जब किसी लक्षण को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त दोनों जीन्स असमान होते हैं, या दोनों में बस यही स्थिति है कि अगर जीन्स असमान होंगे तब ऐसी स्थिति में वो विषमयुग्मजी कहलाएगा, और जब जीन समान होंगे ऊपर वाले में तब वो समयुग्मजी कहलाएगा। आइए एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझ लेते हैं। आपने देखा होगा मटर का जो प्लांट है उसके तने की लंबाई में दो तरह के करेक्टर देखने को मिलते हैं, एक तो लंबे प्लांट जिनको कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, और दूसरे हैं स्मॉल टी यानी छोटे तने वाले प्लांट। तो जब कंडीशन कैपिटल टी यानी दोनों समयुग्मजी स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि दोनों ही जीन्स एक ही जैसे हैं, तब इस स्थिति को हम समयुग्मजी स्थिति कहेंगे, चाहे वो शुद्ध लंबे पौधों के लिए हो चाहे वो शुद्ध बौने पौधों के लिए। कंडीशन कैसी होनी चाहिए, दोनों जीन्स एक ही बरादरी के एक ही जैसे होने चाहिए। विषमयुग्मजी स्थिति में आप यहाँ नीचे देख रहे हैं, एक कैपिटल टी है दूसरा स्मॉल टी, इसी तरीके से एक स्मॉल टी दूसरा कैपिटल टी, तो यहाँ पर दोनों जीन्स असमान हैं, अलग अलग बिरादरी से हैं, एक कैपिटल है और दूसरा स्मॉल है, तो इस वजह से ये कंडीशन कहलाएगी विषमयुग्मजी। डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर प्योर टाल प्लांट लिया और एक प्योर स्मॉल प्लांट लिया, दोनों की जीनी संरचना अलग अलग है। जब इनमें आपस में
क्रॉस कराया जाएगा, तो जो F1 जेनरेशन है उसमें आप देख रहे हैं कि अलग तरीके का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, जो ना ही P जेनरेशन में देखने को मिला था हमको। आइए अब हम अगला टॉपिक देख लेते हैं, जो कि है एलील या एलीलोमॉर्फ क्या होते हैं। दोस्तों ये बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा, बच्चे यहाँ कन्फ्यूज रहते हैं अक्सर। चलिए इसको समझ लेते हैं। पहले तो एक जीन क्या होता है उसके बारे में हम अभी देखेंगे। DNA RNA का एक खंड है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जीन क्या है, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ DNA और RNA जो एक निश्चित लक्षण का निर्धारण करता है। आपकी बॉडी में तरह तरह के करैक्टर हैं, जैसे आँखों का कलर, बालों का कलर, स्किन का कलर, ये सब लक्षण हैं। इनको निर्धारण कौन करता है? जीन करता है। जीन उत्परिवर्तन करते हैं, यानी उनके अंदर म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो दो या अधिक वैकल्पिक रूप ले लेते हैं। तो जीन दो या अधिक वैकल्पिक रूप में उपस्थित होते हैं, तब ऐसी स्थिति में इनको हम एलील या एलीलोमॉर्फ के नाम से पुकारते हैं। एक व्यक्ति को एक जीन के लिए दो एलील, एक माता से और दूसरा पिता से विरासत में मिलता है। यानी जब उसका जन्म होता है तब एक जीन किसी एक करैक्टर के लिए उसे पिता से मिलेगा और विपरीत लक्षणों वाला जीन माता से मिलेगा। आइए डायग्राम में इसको ठीक से समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ देखेंगे कि हमने दो क्रोमोसोम लिए हैं, दोनों को हमने कहा अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, यानी समजात गुणसूत्रों का एक जोड़ा है। आइए इसमें आगे देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक जीन लोकस क्या होता है उसको समझते हैं। इसको इंग्लिश में स्टडी करेंगे हम, द लोकेशन फॉर अ स्पेसिफिक जीन ऑन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्रोमोसोम। तो जो समजात गुणसूत्र हैं उनमें जो जीन्स की लोकेशन है वो कहाँ पर दिखेगी हमको? जीन लोकस के अंदर। अ पेयर ऑफ एलील, तो एक जो लोकस है ये वाला जो अभी आपने देखा, उसके अंदर एक जोड़ी एलील देखने को मिलते हैं। तीसरे वाले डायग्राम में यहाँ पर आप देख रहे हैं तीन जोड़ी एलील्स दिखाए हैं और एक ही लोकाई में, यानी एक ही स्थान पर वो देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं हम, यदि ये दोनों एलील समान होते हैं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति उस जीन के लिए समयुग्मजी यानी होमोजाइगस कहलाता है, और यदि एलील अलग अलग होते हैं तो व्यक्ति विषमयुग्मजी यानी हिट्रोजाइगस कहलाता है। इस प्रकार जीन्स प्राय जोड़ों में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन एलील्स जो है वो जोड़ों में देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, आँखों के रंग के लिए जीन में कई प्रकार के एलील्स देखने को मिलते हैं, जैसे नीली आँखों के लिए एक एलील या भूरी आँखों के लिए अन्य एलील। मेंडल ने जीन को कारक कहा, ये इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि मेंडल ने कारक शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया था। उन्होंने कारकों के बारे में कहा कि एक लक्षण के लिए दो कारक अपने प्रभावों के आधार पर कार्य करते हैं। आइए दोस्तों अब हम इसी वीडियो के अगले पॉइंट को देख लेते हैं, जो कि है परीक्षण संकरण। ऐसा संकरण जो प्रथम पीढ़ी में प्राप्त यानी F1 संतानों तथा अप्रभावी यानी रिसेसिव पेरेंट के मध्य कराया जाता है, परीक्षण संकरण यानी टेस्ट क्रॉस कहलाता है। यहाँ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, F1 पीढ़ी में प्राप्त संतति संकर लंबे तथा शुद्ध लंबे पौधों के बीच में होने वाला संकरण। यहाँ पर डायग्राम में आप देखिएगा कि हमने दो अलग अलग तरह के प्लांट लिए हैं। कैपिटल D से हमने टाल प्लांट को लिया है और स्मॉल D से हमने ड्वार प्लांट को लिया है। तो पहली जो जनरेशन आएगी यानी F1 जनरेशन, ये वाली जनरेशन कहलाएगी F1 जनरेशन। इसमें सारे के सारे हमको टाल यानी लंबे पौधे प्राप्त होंगे। जब हम इसी को देखिए, इसी को हमने यहाँ लिया और एक जो जनरेशन दूसरी जिसके साथ में हमने इसको क्रॉस कराया वो कौन सा है? पेरेंट वाला है। तो एक तो हमने लिया नया बना जो F1 जनरेशन में बना, और दूसरा हमने कहाँ से लिया? जो होमोजाइगस ड्वार्फ था। इस प्रकार हमने जो पेरेंट जनरेशन थी उसमें से केवल कौन से वाले करैक्टर लिए? जो कि अप्रभावी थे। देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड पर हमने अप्रभावी जनक को लिया। हम इसको नहीं ले सकते, अगर आपने इसको ले लिया तो फिर ये परीक्षण संकरण नहीं कहलाएगा। आइए अब हम अगला टॉपिक देख लेते हैं, जो कि है संकर पूर्वज संकरण। इंग्लिश में इसको पैक्रॉस कहते हैं। F1 पीढ़ी में प्राप्त संतानों तथा उनके किसी भी एक जनक के बीच होने वाले संकरण को संकर पूर्वज संकरण यानी बैक क्रॉस
कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो प्लांट बनेगा ये F1 जनरेशन में बनेगा, और ये जो प्लांट है ये P जनरेशन यानी पेरेंट जनरेशन का प्लांट है। इसी तरीके से ये F1 जनरेशन का प्लांट है और ये पेरेंटल जनरेशन का प्लांट है। तो इस तरीके से F1 प्लस P प्लांट के बीच में होने वाला क्रॉस संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, हमने F1 में जो प्लांट हमको प्राप्त हो रहा है, इससे पहले के डायग्राम में भी ये सब दिए हुए हैं, तो हम सीधे सीधे F1 जनरेशन को यहाँ पर लेके आए हैं। तो F1 जनरेशन में जो हमको मिला उसको हमने एक तो डोमिनेंट पेरेंट के साथ में क्रॉस कराया, दूसरा एग्जांपल जो हमने लिया उसमें हमने रिसेसिव के साथ में इसको क्रॉस कराया। इस प्रकार से ये बहुत सरल है दोस्तों, बस इनको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है आपको, और मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने फर्स्ट वीडियो का लिंक भी दे दिया है इसी वीडियो में, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। ये सारे के सारे टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में या अन्य कंपटीशन में पूछे जाते हैं। साथ ही मैं आशा करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।